आप देख रहे हैं दूसरी देश और आज आपको मैं एक नई जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ हो रही है पर बेबीज की पार्टी। और उसमें देखिए टैग लगा हुआ था हमारे और अब ये शुरू हो चुकी है। एंट्री फीस थी 300 रुपीज़ और ये था ब्लू डॉग जो कि हॉरिजन टू में है, गोल्ड कोस्ट रोड पर। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डॉग थे, बहुत उनकी केयर हो रही थी, लीश पे बांध रखा था, सभी लोग बहुत खुश थे। और ये डॉग से स्पोर्ट्स भी हो रहे थे, गेम्स हो रहे थे, ये उनका चैलेंज था, स्पोर्ट था, उनको कुछ खिलाया जा रहा था और फिर उनको अपने पेरेंट के पास जाना था भाग के। और ये दौड़ थी और ये गोल्डन रिट्रीवर बहुत खुश है इस पार्टी में आके। इसने खाना खाया और ये उल्टी तरफ दौड़ पड़ा और बहुत लोग हंसे, बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा था। ये देखिए अब वो अपने पेरेंट के पास गया और ये शायद सेकेंड आया था। और ये देखिए पूरा ग्रुप बैठा है, सब अपने अपने डॉग्स को लेके आए हैं। डॉग्स सारे खुश हैं, बोल रहे हैं, आपस में देख रहे हैं, मिल रहे हैं। सोशली मुझे लगता है सोशली ये अच्छी तरह से बिहेवियर करना सीख जाते हैं, सोशली मिक्सअप हो जाते हैं। और इस तरह की पार्टियों में डॉग्स को लाना ये एक अपने आप में बहुत अच्छा चैलेंज है और बहुत अच्छी बात है। ये शौक भी लगा, अब इसका चैलेंज है और ये उसका गेम हो रहा है। वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ गलती से। और अब ये देखिए ये फर्स्ट आया, ये उसके पेरेंट के पास गया है खाना खा के और मेरे कहते ये फर्स्ट आया। और एक एंकर थे यहाँ पे जो सबको ऑर्गेनाइज कर रहे थे पूरे इवेंट को, कुछ फोटोग्राफर थे। 300 रुपीज़ एक आध बंदे का फीस थी, अगर आप डॉग के साथ हो तो भी और डॉग के साथ नहीं हो तो भी। और डॉग की भी शायद 300 टिकट थी क्योंकि तो मेरे पास तो डॉग था नहीं, तो मैं तो सिर्फ पार्टी देखने गई थी। और लोग देखो बहुत डॉग्स को फेस कर रहे, प्यार कर रहे थे, डॉग्स भी खुश थे, अपने आप को बिल्कुल सुपर और ग्रेट फील कर रहे थे सारे डॉग। और एक हीरो जैसा ट्रीटमेंट उन डॉग्स को मिल रहा था तो वो खुश थे। और ये जर्मन शेफर्ड भी थे भाई, देखो वहाँ इनको तो देखते ही लोग डरते हैं, लेकिन बहुत अच्छा था काम था। जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से फिर संभाला हुआ था अपने डॉग को। थोड़ी जगह कम थी डॉग्स के हिसाब से, तो बहुत ही कम थी क्योंकि डॉग्स को खुले में घूमने की आदत होती है तो। और लेकिन बाकी सब ठीक था। ये टेबल पे देखिए अपने अपने छोटे डॉग्स को, पैट्स को लेके बैठे हैं सारे लोग, सब वेल ड्रेस्ड, एकदम ऑर्गेनाइज, जैसा लग रहा था कि हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। और सारे ये एक इंडियन डॉग था इनके पास जिसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उनसे बात भी की और वो मैं आपको बताऊँगी क्या बात मेरी हुई और क्यों उन्होंने इंडियन को पाला। पर मोस्टली लोग बाहर की ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड, गोल्डन रिट्रीवर, इन सब में ही थे। एक दो लोग थे जो इंडियन डॉग्स के साथ थे। ये एक खूबसूरत डॉग देखे, ये गोल्डन रिट्रीवर की खूबसूरत कपड़े पहने हुए नोटी जी हैं, उनका नाम है नोटी और ये बहुत नोटी थी। और ये एक इंडियन डॉग था, ये लैब्राडोर, सॉरी ये लैब्राडोर है और साथ में ये बीगल है। ये भी बहुत काम, बड़े अच्छे तरीके से। बीगल तो आपको पता ही है थोड़ा सा ज़्यादा बात करते हैं तो काफ़ी रहता है। ये देखिए सब ने अपने टेबल पर बिठाया है, सारे ग्रुप में बैठे डॉग और कोई उतना परेशान नहीं है। सोशली गैदरिंग जैसे चल रही हो इनकी, सारे सोशली अच्छे ड्रेस अप होकर। और जो पेरेंट्स थे वो खा रहे थे, पी रहे थे, इनके लिए भी खाना था, डॉग्स के लिए भी अपने तरह का डॉग्स का बॉइल्ड फूड था, बॉइल्ड एग थे, बॉइल्ड सब्जियाँ थी, जो भी चाहें आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये लोग काफ़ी खुश थे अपने अपने डॉग्स के साथ, पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। और देखिए ये पूरा सीन मैंने आपको दिखाया किस तरह से, ये देखिए कितनी छुट्टी लग रही है, एक किराएगी सी छोटी सी शिवजी जो अपने कपड़ों में एकदम पार्टी वाली फील आ रही है। ये एक एंगर थे जिन्होंने पूरा इवेंट को मतलब होल्ड कर रखा था और उन्होंने गेम्स खिलवा रहे थे वो सारे डॉगों को, 100 डॉग्स को, और सभी डॉग्स को अवार्ड भी मिल रहे थे। और फर्स्ट अवार्ड जो था वो शायद मेरे ख्याल से बोन था,
और दूसरा चिकन का रिमिक्स था। इस तरह के सारे अवार्ड थे, एक बॉल थी, एक गोली थी और ये एक डॉग है गोल्डन रिट्रीवर है, ये भी बहुत प्यारा था। ये एक मंथ का था, इसका नाम जोई था। ये सारे के सारे गोल्डन चिजू और ये पूरे पूरे सारे के सारे डॉग्स जो थे बहुत खुश थे। ये एक इंडियन डॉग था, इनसे ही मैंने बात की थी, तो चलिए उनकी बातें सुनाती हूँ मैं आपको। इन्होंने मुझे कहा मैं प्रमोट कर रही हूँ इंडियन पप्स को सब में। जोई, हाँ जोई, हाउ आर यू फीलिंग इंडियन व्हेन यू पेट इंडियन डॉग? एक्चुअली वी डिडंट प्लान ऑन गेटिंग अ डॉग, बट सिंस वी गॉट जोई वी थिंक दैट आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम। ही कंप्लीट्स अस, लाइक ट्रूली इज द जॉय ऑफ द फैमिली एंड वी हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, हर फैमिली, फ्रेंड्स, प्लेस विद देम एवरी टाइम, घर पे कभी ये ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ता होगा उन लोग बाकी डॉग्स के बारे में। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, इंडियन पप्स को क्यों पैट में चलना चाहिए? और एक मेरे को कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन लगता है कि वी शुड गो फॉर फॉरेन ब्रीड्स। आई थिंक इंडियन पप्स आर एट पावर, दे आर वेरी लवली, वेरी एनर्जेटिक एंड लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस सब कुछ है। इतना प्यार देते हैं ना आपको, आप उनको प्यार दोगे वो कुछ भी करते हैं आपके लिए। कोई फ्यूरियस जैसे पड़ोसी लोग लड़ते हैं कुछ ऐसा आपको कंप्लेन कभी आई? वेरी फाइन, थैंक यू। व्हाट इज हिज नेम? जोई। ओके जोई, यू लव इंडियन डॉग बेबी? तो आपने इंडियन डॉग को रखे, ये लोग कितना खुश हैं। और ये इंडियन डॉग भी देखे हेल्थ वाइज कहीं से नहीं लग रहा है किसी भी इंग्लिश ब्रीड का, कोई भी कंपटीशन इसके साथ नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी लग रहा है, लंबा चौड़ा, और ये इन्होंने जो बताया आपने देखा, और बाकी लोग भी इसको उतना ही प्यार कर रहे हैं जितना बाकी ब्रीडिंग वाले डॉग्स को कर रहे हैं। तो देखिए सब खुश हैं, पार्टी हुई अच्छे से, ये पार्टी चली 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और इसमें डॉग्स ने सभी ने एंजॉय किया, सारे के सारे डॉग्स बहुत खुश थे और लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, उनकी वीडियो बना रहे थे और खाना खा रहे थे। डॉग्स शांत थे पर बैठे हुए थे आराम से, और इस तरह से ये पूरी पार्टी 6 बजे तक चली। उसके बाद हम लोग निकल आए और ये सबको वहीं छोड़ दिया। थैंक यू।